ग्वालियर लोकायुक्त की टीम ने 30 जनवरी की शाम ट्रैप कार्रवाई करते हुए पटवारी शैलेंद्र परिहार को 35,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार करने के बाद में भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7 के तहत कार्रवाई की है। दरअसल पटवारी शैलेंद्र परिहार के द्वारा भितरवार जनपद उपाध्यक्ष और भाजपा नेता जगमोहन से नामांतरण के बदले में 80,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई थी। बाद में 45,000 रुपये में सौदा तय हो गया था और 10,000 रुपये की पहली किस्त 9 जनवरी को दी जा चुकी थी। इसके बाद में मामले की शिकायत ग्वालियर लोकायुक्त से की गई थी और 30 जनवरी की शाम को रिश्वत की 35,000 रुपये की रकम देते हुए लोकायुक्त DSP राघवेंद्र ऋषिश्वर के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए आरोपी पटवारी को रंगे हाथों पकड़ने के बाद में थाने ले जाकर कार्रवाई की गई है। मेरा एक नामांतरण की फाइल थी और 2 मेरे भाई की थी और 1 मेरे चाचा के लड़का की थी, 1 मेरे बहन के ससुर की थी। तो इनके एवज में 80,000 रुपये मांग की थी इन्होंने। तो मेरा 9 तारीख को इनसे मेरा मतलब तय हो गया था 45,000 रुपये में। तो मैंने 10,000 रुपये एडवांस के तौर पर दे दिया था, बाकी पैसा आज 30 तारीख को मैंने इनको दे दिया है और शैलेंद्र परिहार जी गिरफ्तार लोग अधिकारी ने कर लिया। तो ये कब से? 9 तारीख को फरियादी जगमोहन प्रजापति के द्वारा एक रिपोर्ट की थी, जिसमें उसने बताया था कि सुरेंद्र सिंह परिहार पटवारी बनवार तहसील चिनौर के जो यहाँ सन वैली में रहते हैं, उन्होंने उससे 80,000 रुपए की डिमांड की थी, जिसमें से कि आज 80,000 रुपए की डिमांड हुई थी और 80,000 रुपए की डिमांड होते होते 45,000 पर मामला तय हुआ था, जिसमें उसके 5 प्रकरण थे। 5 प्रकरण में नामांतरण होना था, करीब 20 बीघा ज़मीन थी। तो 35,000 में जब जो सेट हो गया मामला, उसके बाद 10,000 रुपये उनने ले लिए पहले और आज 35,000 रुपये देने का तय हुआ, जिसमें हमारी टीम ने आज ट्रैप की कार्रवाई प्रायोजित की, जिसमें मैं DSP राघवेंद्र ऋषिश्वर, इंस्पेक्टर कविंद्र सिंह चौहान, इंस्पेक्टर अंजलि शर्मा, ब्रजमोहन नरवरिया, प्रधान अर्चक धनंजय पांडे, हेमंत शर्मा और आरक्षक राजेंद्र, अंकेश, जसवंत, प्रशांत, आरिफ, अमर सिंह, बिसंबर, सुनील और सुरेंद्र शामिल इत्यादि थे। और फरियादी ने फ़ोन लगाकर उसको उसके घर या सन वैली से बाहर बुलाया। बाहर पगलटा टी हाउस टी पॉइंट है, उस टी पॉइंट पर फरियादी ने आरोपी परिहार को 35,000 रुपये नकद दिए, उसके बाद इशारा किया और हमने उसको पकड़ा तो उसके हाथ धुलवाए गए तो हाथ में भी कलर आ गया और उसकी जेब से 35,000 रुपये बरामद।